सो हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवीएस एनिमे हिंदी। मेरे भाई, जैसा कि तुमने थंबनेल देखा यार, उसको देख के तुमको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है कि आखिर होने क्या वाला है। तुमको लग सकता है कि फ्यूचर में आने वाले चीज़ों को ये प्रेडिक्ट कर रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं ये एक थ्योरी वीडियो बना रहा हूँ जिसमें लेकर के मैं बात करूंगा कि आखिर जोरो किंग को किस तरह से हराएगा। क्योंकि जहां तक हमें पता है, आखिर में अपना जो किंग है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है जोरो से, क्योंकि यार जोरो बहुत ज़्यादा डैमेज खा करके वो किंग से फाइट कर रहा है। वहीं अगर हम लोग बात करें किंग की, तो किंग जो है फ्रेश है, उसने किसी भी ओपोनेंट से तगड़ा फाइट नहीं किया अभी तक। जो अपना जोरो है वो बहुत सारे तगड़े तगड़े ओपोनेंट से फाइट किया। सबसे तगड़ा ओपोनेंट तो अपना भाई काइडो है, और उसने काइडो के खिलाफ आसुरा फॉर्म भी अटैक किया था। भाई बंदा फिर भी जो है नीचे जा करके सीधा गिरा था, जिस तरह से वो डैमेज खाया था यार। उसके बाद चॉपर ने उसको थोड़ा बहुत दवाई वगैरह लगाया, उसके बाद फिर वो काइडो के फर्स्ट डिवीजन कमांडर के खिलाफ खड़ा होकर फाइट कर रहा है। ये मेरे हिसाब से एक अनफेयर फाइट है। बोडा ने जिस तरह से यार ड्रॉ किया, जोरो के लिए हाइप था ये वाला आर्क, लेकिन जोरो को जिस तरह से अनफेयर ओपोनेंट दिया है ओडा ने, क्योंकि किंग यार अभी तक किसी तगड़े ओपोनेंट से 1-on-1 फाइट नहीं किया। बजाय मार्को की बात करूं, मार्को ने उसे मारा तो था, पर वो फाइट ज़्यादा देर के लिए नहीं चला था। लेकिन ये वाला जो बैटल चल रहा है जोरो वर्सेस किंग का, ये बहुत टाइम के लिए लंबा चलने वाला है, और इसमें कौन जीतेगा वो ऑब्वियसली बात है, जोरो ही जीतने वाला है। खैर, इस बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन जोरो को क्या नया पावर मिल सकता है इस बारे में भी मैं आज बताऊंगा। साथ ही साथ जोरो किस तरह से इस आर्क के बाद कितना पावरफुल हो जाएगा उस पर भी मैं अंदाजा लगाने वाला हूँ। सो यार, दिल थाम के बैठना। खैर, अगर हम लोग बात करें वन पीस मांगा चैप्टर 1031 का, तो उसका एक कलर पेज आया था, उसका कवर पेज नहीं आया था। उसमें हमें जोरो को दिखाया गया था, जो जोरो एनमा को पकड़ के उसको देख के मुस्कुरा रहा था। वहीं अगर हम लोग बात करें बैकग्राउंड में जितने भी कैरेक्टर्स थे, वो सब किसी ना किसी पायरेट के राइट हैंड मैन थे, चाहे वो रैली हुआ, बैन बैकमैन हुआ, या फिर अपना काताकुरी हुआ। वैसे ही करके बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, यहाँ तक कि ट्रफालगर डी वाटर लॉ का बैपू भी उस चैप्टर पे था, वहां पर जोरो भी था, और जोरो ने वहां पर एनमा को पकड़ा हुआ था। क्या एक फोरशैडोइंग हो सकता है ओडा के लिए? मुझे जहां तक याद है, ओडा बहुत सारे फोरशैडोइंग देता है, और मुझे ये लगता है ओडा आने वाले चैप्टर को लेकर का हिंट है कि जोरो किस तरह से पावर अप करेगा। अगर तुम्हें याद होगा, एनिस लॉबी में जब सांजी को पावर मिला था, सांजी ने अपना जो डबल जंबल है उसको निकाला था, तो उस वक्त जोरो ने भी अपना आसुरा फॉर्म निकाला, प्लस ओडा ने उसको जो नेक्स्ट आर्क में ही एक नया सॉर्ड दे दिया, जिससे वो सांजी से ज्यादा पावरफुल लगने लगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें होल केक आर्क में, तो होल केक आर्क में सांजी को एक नया सूट दिया गया, जिससे सांजी ज्यादा पावरफुल लगने लगा जोरो से। फिर ओडा ने क्या किया, वानो आर्क में उसको जो है एक नया वेपन दे दिया, जिसका नाम एनमा है, और ये सॉर्ड इतना खतरनाक है कि इसने काइडो को एक परमानेंट स्कार दे रखा है। तो तुम इससे अंदाजा लगा लो कि ओडा हमें जो हर बार जोरो को सुपीरियर दिखाने का ट्राई करता है सांजी से। खैर, वही अगर मैं बात करूं पिछले चैप्टर में, तो पिछले चैप्टर ने बवाल मचा दिया सांजी को लेकर के। जितने भी सांजी फैंस है यार, अगर तुम लोगों ने पिछला चैप्टर का रिव्यू मेरा नहीं देखा तो जाकर के रिव्यू देख लो, मैंने कल ही अपलोड किया था, तुमको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मैं दे दूंगा। वहां पर सांजी ने अपना मॉन्स्टर वाला फॉर्म देखा, सांजी फुल रेज में आ चुका है यार, सांजी बजा डालेगा क्वीन को, ये बात तो 100% श्योर है, अब मेरे को लगने लग चुका है। वहीं अगर मैं बात करूं जोरो को लेकर के, तो जोरो अभी भी किंग के खिलाफ जो स्ट्रगल कर रहा है, यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे कि हो सकता है जोरो अपना लेफ्ट आई, जो उसका आंख बंद है, उसको जोरो खोलता हुआ नजर आए, कोई नया पावर दिखेगा। लेकिन मेरे को अभी तक तो नहीं लगता कि जोरो वो वाला आंख खोलेगा, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो एनमा जो स्वॉर्ड है उसको अभी तक फुल पावर में जोरो ने यूज नहीं किया है। वहीं अगर मैं बात करूँ उसको ब्लैक ब्लेड में कन्वर्ट कोजुकी ओडेन भी नहीं कर पाया था, जो कि उसका पुराना यूजर था। प्लस यहाँ पर ओडा ने जिस तरह से फॉरशेडोइंग दिया है, मेरे को तो दिल से लगता है कि ओडा ने यहाँ पर जोरो के एनमा के न्यू पावर को लेकर के यहाँ पर ओडा ने हिंट दिया है। तुम लोगों को क्या लगता है, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग कमेंट डाउन करो, कमेंट बॉक्स में बताने का ट्राई करो। खैर, मैं यहाँ पर अपना मैं बता रहा था कि मुझे जहाँ तक लगता है आने वाले चैप्टर्स में, जिसमें किंग बस जोरो को कवर किया जाएगा, उस फाइट पे हमें जोरो एनमा के फुल पावर को यूज करता हुआ दिखे। हो सकता है जोरो किंग के खिलाफ ब्लैक ब्लेड में भी कन्वर्ट कर दे एनमा को, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। साथ ही मेरे भाई, अगर जोरो एनमा के फुल पावर को अनलॉक करने में कामयाब हो जाता है, तो फिर किंग जैसा ओपोनेंट उसके लिए कुछ नहीं होगा। उसके बाद भाई वो लगेगा एक योंको का राइट हैंड मैन, और सांजी को जिस तरह से पावर दिया ना ओडा ने, भाई सांजी तो लगे रहा है यार एक योंको का लेफ्ट हैंड मैन। फ्यूचर में जब लूफी किंग ऑफ द पायरेट बनेगा,
तो उस वक्त इन लोगों का पावर और ज्यादा बढ़ने वाला है। और सांजी को जिस तरह से ओडा ने पावर दिया, ओडा किंग के खिलाफ जोरो को भी उस तरह पावर देगा। किंग के खिलाफ वो एनमा की फुल पावर को यूज करेगा और मुझे तो पूरा लगने लग गया है कि जोरो तबाही मचाने वाला। अब भाई यही था आज का वीडियो, और ये वीडियो में जितना भाषण देना था दे दिया। आई नो ये वीडियो जो है थोड़ा छोटा है पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर यहीं तक था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक मारना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन ऑन कर देना जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। साथ ही साथ मेरे भाई इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।